अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GDS रिपोर्ट की एक और सिफारिश को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से मंजूरी दे दी जा चुकी है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ऑफिस मेमोरियम दिखाया जा रहा है। दोस्तों, यह ऑफिस मेमोरियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के GDS सेक्शन द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, सब्जेक्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं जो कमलेशन कमेटी रिपोर्ट के लिमिटेड ट्रांसफर फैकल्टी है उसको, उसमें कुछ बदलाव किया गया है, उसको जो नया बदलाव है उसको लागू कर दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों ये अपडेट है। दोस्तों, हम आपको बता दें, जो ग्रामीण डाक सेवकों के ट्रांसफर के लिए 3 साल का सर्विस होना जरूरी है, बट जो इस जो ऑफिस मेमोरियम की तरफ से बताया गया है कि जो ग्रामीण डाक सेवक है जो जिन्होंने 1 साल सर्विस को पूरा कर लिया है वह भी अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। पर इसमें विशेष नियम यह है कि दोस्तों, अगर वह ग्रामीण डाक सेवक फिजिकल हैंडीकैप्ड है या उसे शारीरिक दिव्यांग है तो वह इस सुविधा का लाभ ले सकता है। साथ ही उसे चिकित्सा संबंधी कोई प्रॉब्लम है वह भी इस नियम के तहत अपना एक साल सर्विस पूरा करके अपना ट्रांसफ़र करा सकता है। दोस्तों, यह ऑफिस मेमोरियम दोस्तों कल जारी किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। दोस्तों अगर जो अन्य ग्रामीण डाक सेवक है उनके लिए जो 3 साल का सर्विस पीरियड है वही मान्य रहने वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने तमाम GDS भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय GDS।